जैसे भरत का चांद सितारों में थे, जैसे हमारा हजारों में थे, किसी के हाथ में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा चिन्ह है हीरा। सबके बड़े भाई शाहिद भाई को मोमेंटो पेश करेंगे। भाई मंजिल भाई हमारे हैदराबाद से आए, एक बार वो बात आलिया इनके लिए भी भाई ठीक है भाई भाई तालियां बजा दो। हाँ मंजिल भाई खेड़िया भाई को मोमेंट को पेश करेंगे। भाई तालियों बजा के स्वागत करें भाई माशाल्लाह। लिए रहमान भाई तानी भाई शारिक भाई को मोमेंटो पेश करेंगे। भाई तालियों को दबाते हुए तालियों की जल्दी नहीं करे यार। भाई रहमान भाई आ जाए भाई रहमान भाई इसके टाइम जो है तारीख भाई का स्वागत करने के लिए भाई वो तालियां कंटिन्यू बजाएंगे तो भाई बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। रहमान भाई आ जाओ भाई शावेद भाई को मोमेंटो पेश करेंगे। भाई तालियां मंजिल भाई शाहिद भाई हमारे अबू साद भाई को अब मोमेंटो देंगे। मंजिल भाई मंजिल ये सफेद भाई देंगे दानिश भाई का अपने हाथों से बताए तालियां कंटिन्यू हो जाए जोर से बजाए यार आवाज की नहीं आई। शुक्रिया भाई अजहर भाई का अजहर भाई अजहर भाई अजहर भाई को ट्रॉफी दे रहा है अल्लाह बख्शे साबिर भाई। भाई शरीफ भाई इंदौर वालों के लड़के आए राजा भाई क्योंकि शरीफ भाई की तबीयत खराब थी वो नहीं आ पाए तो राजा भाई स्टेज पे आए शरीफ भाई की जगह। और भाई जोरदार तालियां ये भी छोटे उस्ताद हैं शरीफ भाई के बेटे हैं इंदौर से आए हैं हमारे सोहेल भाई और मंजिल भाई और इन सब की तरफ से एक बेहतरीन इनाम। अरे देखना 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 भाई दिखा दिया जलवा शब्बू मंजिल भाई एक बार ऊपर कर दो सोहेल भाई ये हम सब की तरफ से भाई जोरदार तालियां। भाई ये गुलदस्ता भाई जाओगे नहीं अभी और दिखाएं जरा एक बार सामने दिखाएं ये किंग का लॉकेट हमारे ताहिर भाई की तरफ से जरा ऊपर हाथ करें ताहिर भाई। भाई ये जोरदार तालियां तो बजाई दो यार।
छोड़ दे भाई, छोड़ दे। फूल वगैरह और बकरों को मेंटेन करते हैं हमारे पप्पू भाई। पप्पू भाई के लिए जोरदार तालियां, बहुत बड़े उस्ताद हैं हमारे पप्पू भाई। भाई जोरदार तालियां तो बजा दो पप्पू भाई के लिए। ये जोरदार तालियां जो कि स्टेज पर आए हैं हमारे सोहेल भाई के बाद। दोनों उस्ताद हैं, काफी पुराने उस्ताद हैं बकरेबाजी के। भाई हमारी बड़ा समाप्त नहीं हुई है। भाई ये एक हमारे बड़े भाई को दिल से जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां। भाई थैंक यू। मकसूद भाई के लिए, अजहर भाई के लिए जोरदार तालियां। के लिए बाहर भाई के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले हमारे मरहबा शोएब भाई कबाड़ खाने वाले, दूसरे लवली भाई, फहीम भाई हमारे इधर मुंडी करें, फहीम भाई जरा पब्लिक में देखें। अली भाई आए हमारे सोहेल भाई का स्वागत करने। टीम अल्फा भाई जोरदार ताली बजाते, बहुत अच्छे बकरे पालते हैं हमारे अली भाई, टीम अल्फा माशाल्लाह। ये हमारे यासिर भाई टीम अल्फा के, हमारे भैयू भाई जो के बकरे भरते हैं। एक मिनट भाई, फैसल भाई भी आ जाए। अज्जू भाई जहाँ कहीं हो स्टेट पर आए। अज्जू भाई भाई ये अंसारी गोट फार्म हमारे सोहेल भाई का, भाई अलजगी गोट फार्म से भी हमारे सोहेल भाई का मान सम्मान करने आए भाई। असूर भाई के लिए जोरदार ताली है भाई लोग। वो शीनू मेरे भाई ऊपर आ जाए भाई, स्टेज हल्का हल्का जा रहा है, मैं नीचे चले जाऊं। हमारे शीनू भाई का अरे अज्जू भाई सोहेल भाई का स्वागत करते हुए। भाई ये बिट्टू भाई विधि से आए हैं हमारे सागर भाई। और जो भाई बचे हो वो आ सकते हैं स्टेज पर। शरीफ भाई जो के सोहेल भाई को फोन पे ही बधाइयां दे रहे हैं और उनकी तबीयत के खराब वो आ नहीं सके, लेकिन मुबारकबाद दे जा रही है सोहेल भाई को। मंजिल भाई, अंसार भाई, अबूसाद भाई, हमारे सभी भाई। और सोहेल भाई आपके लिए शेर के हालात से सदियों पे तरंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। दरिया तो बड़े छाव पर गिरते हैं, समंदर में ये समंदर किसी दरिया में जाकर नहीं गिरता। जोरदार तालियां भाई सोहेल भाई के लिए। और मौजे का सर उठा नहीं सकती बेकसी, सारी मियां के पास आ नहीं सकती, उनपे ही अल्लाह की नवाजिश उनको दुनिया मिटा नहीं सकती। तालियां भाई माशाल्लाह, तालियां सोहेल भाई के लिए, बहुत जानदार तालियां। तुमने खरीद कर दिया, तुमने खरीद कर दिया, अनमोल।
हेलो हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब, में हूँ अभी भोपाल में गोगी भाई के साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं गोगी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह शादाब भाई। अभी बकरे की तो लॉन्चिंग हो गई है गोगी भाई जी, और सभी लोगों ने जो है बकरा देख लिया। अभी बकरे का एग्रेशन की वजह से जो है बकरे को अपन को रवाना करना पड़ा, और अपन सबका जो रिव्यू है ये अलग से ले रहे हैं जी। बिल्कुल शादाब भाई, ठीक है। तो अभी कौन कौन अपने साथ है इस वीडियो के अंदर? भाई वीडियो के अंदर तो मैं नाम बताऊंगा तो काफ़ी बाहर के मेहमान हैं, कुछ लोकल के हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे ही लें, क्योंकि माशाल्लाह सभी लोग आए थे, सभी ने बकरा देखा है। तो माशाल्लाह मेरी रही बात तो मेरे लिए तो नंबर वन है। सबसे पहले आप नंबर वन रहेगा कि आपको कैसा लगा बकरा? भाई नंबर वन, नंबर वन। क्या क्वालिटीज दिखी बकरे के अंदर? भाई उसमें ऐसी कोई क्वालिटी थी नहीं जो अपन कम करें, जितनी क्वालिटी थी सभी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। गरमाई, हालत, वेट, वजन, जो भी चीज ले सकते हो आप सब था उसमें। चलिए बेहतर है, अभी अपने जो मेहमान है अपन उनसे बात करते हैं चल के जी। आ जाइए, साथ में रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आज फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई है जी? पहली बार भोपाल की ट्रिप हुई है। पब्लिक ने डांस भी देखा आपका, काफी एंजॉय किया आपने आज। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप बकरे के बारे में बताएं, रिव्यू दीजिए बकरे का, कैसा लगा बकरा आपको? देखो मैं आपको जानते हूँ, मैं एक सेल्फ फीडिंग फील्ड से हूँ, भराई फील्ड में कभी आया नहीं। फर्स्ट टाइम मेरी भोपाल की ट्रिप है, और किंग बकरे को देखने के बाद मैं एक्चुअली आई एम मोर कीन इन टू नॉट भराई गोट्स। में जो बकरे जब एक्टिवेट होते हैं, उछलते कूदते हैं, नाचते हैं ना, तब मज़ा आता है बकरे में। तो आज जब मैं किंग को देखा, उसका वीडियो देखा, तो वो बकरा चारों पैर पे उछल रहा है, दोनों पैर पे उछल रहा है, मतलब वो इससे पहले का बाहर निकालने वाला एक शॉट क्या था वो? हाँ हाँ, वो भी क्लियर कर दो। वो क्लियर इसलिए करना चाहूंगा मैं कि जब हम बैठे थे वहाँ पर बॉम्बे फार्म पे, तो एक बकरा बाहर निकला, एक दो बकरे भराई के थे, एक निकला नॉर्मल अपने पोजीशन पे, खेला कूदा, ना जबान निकाला। okay. दूसरा बकरा जब बाहर निकला तो वो चार कदम चला, उछल कूद के, तो जबान निकाल के मुझे वो पसंद नहीं। मुझे बकरा ऐसा हाफ है तो आई फील दैट नहीं यार, ये जानवर ऐसा हो रहा था, ये क्यों ऐसा हाफ रहा तो वो मुझे। लेकिन आज जब मैं किंग को, मेरे ख्याल से एक घंटा हो गया होगा स्टेज के ऊपर उसको, और उससे पहले भी 5 बजे से हम लोग 6 बजे तक उसको उसका शूट कर रहे थे, शूट कर रहे थे उसको, मतलब मेरे को लगता है 5-6 घंटा तो बकरा नॉन स्टॉप परेशान हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद में भी बकरे ने मुंह नहीं खोला, जबान तो दूर की बात है। सही बात है। उसने पार्क के लेके अच्छा ट्रैवलिंग भी करा के बाद, मतलब पूरा डे जो है ना बकरा सफर के अंदर रहा, थकता रहा, लेकिन ट्रैवलिंग करने के बाद में आज भी बकरा जबान बाहर निकाला, उछल रहा है, कूद रहा है, मार रहा है। सो मैं मैसेज देना चाहूंगा सारे भराई वालों को कि ये होती है भराई की लेवल, मतलब तुम भरो, अच्छी बात है भरो, लेकिन भरने के बाद बकरा को लगना चाहिए कि भाई हाँ मैं फिट हूँ। एग्रेशन जाना नहीं, एग्रेशन जाना नहीं चाहिए, बकरा हाफना नहीं चाहिए, बकरा मुंडी गाड़नी डालना नहीं चाहिए, वो तो वो अच्छा लगे। मैं किंग के बारे में बोलना चाहूंगा, हेड्स ऑफ हाइट, सीरियसली बोलता हूँ, बकरे की स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। भराई के बकरे में देखता हूँ पीछे से पिछोड़ा दब जाता है, ऐसा अंदर घुस जाते हैं, वो भी मुझे पसंद है। लेकिन ये बकरा खड़ा है, कमर जो है उसकी ऐसी परफेक्ट खड़ी है, मतलब कहीं पर भी बैंड नहीं है, सीना वो अपना खड़ा रखता है, कमान उसकी जो गर्दन का जो ये है ये भी परफेक्ट है। बहुत सी बारीक, बिगेस्ट बकरा, बिगेस्ट बकरे में ब्रॉड होना चाहिए, आई से आइकॉनिक होना चाहिए उसके अंदर, मतलब पूरा बिगेस्ट को एक जस्टिफाई करो आप, सही बात है ना, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। सिर्फ बिगेस्ट बोलने से नहीं, बिगेस्ट नहीं होता है, सही उसमें बात है। बिगेस्ट में जितने भी लेटर्स है वो लेटर जस्टिफाई होना चाहिए उसको, सही बात है। तो वो मैं बोलना चाहूंगा कि हेड्स ऑफ किंग डिजर्व करता है बिगेस्ट के ईच एंड एवरी लेटर को। ठीक है, कितने मार्क्स देना चाहोगे 10 में से आपसे? अभी तक मैंने 3 भराई बकरे देखा, सो आई वुड रेट किंग एज पर हिज फिटनेस एंड स्ट्रक्चर, मैं बोलूंगा 10 out of 10 देना, 10 से 10 देना चाहूंगा, बिकॉज नो डाउट यार बकरा एंड है, मतलब एंड लेवल का बकरा है, मतलब लेवल का, मेरा अबू साहब का डायलॉग है, लेवल है, एंड लेवल, एंड लेवल, एंड लेवल वाला डायलॉग मेरे को पसंद है इनका, एंड लेवल है। ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। ठीक है, साथ में मंजिल भाई है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मंजिल भाई, अभी भारी से भारी, बड़े से बड़े बकरे आपने भी देखे भोपाल के अंदर, महाराष्ट्र में पूरे, तो अभी किंग को देखने के बाद आप क्या बोलना चाहोगे? भाई किंग को देखने के बाद तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद हमारे अंसार भाई को दूंगा, अंसार भाई को दिखाओ आप, हम लोग शौक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए, और सोहेल भाई की मोहब्बत में आए हुए, और पूरी टीम की मोहब्बत में आए हुए। वो बकरे तो आते जाते रहते हैं, पर जिगरा रहता है वो इंसान जब लेता है और कुर्बानी करता है, बहुत बड़ी चीज है, और ये शौक रहेगा तो बकरे लोग बड़े बनाएंगे, नहीं तो बकरे बड़े बनेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो मेन सबसे ज्यादा मैं मुबारकबाद अंसार भाई को दूंगा, और रहा सवाल किंग का, तो भाई किंग एंड है,
अपन इतने सालों से बड़े जानवर देख रहे, पर अपन क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी भाई? जो मेरा टेस्ट है ना उस सेम टू सेम वही टेस्ट है, मतलब बड़ा चेहरा, रुबाब, गर्मी, स्ट्रक्चर, वजन, साइज, हर चीज में एक का है भाई बकरा। वो सही बात, अपन वो बकरे में कोई नाम रखने वाली चीज ही नहीं है। देख के बहुत मजा आ गया, और सबसे ज्यादा मजा आया उसका एग्रेशन देख के भाई। सही बात है, कहीं भी कोटे का असल बोलते ना, कोटे की निशानी है गर्मी, तो है वो चीज उसमें भाई जी। चलिए ठीक है भाई, शुक्रिया। अबू साद भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। खैरियत से हैं अबू साद भाई जी? अल्लाह का एहसान है भाई, बहुत लंबे टाइम बाद आप वीडियो पे आ रहे हैं हमारे जी। बताएं आप, बकरा देख के आपको कैसी फीलिंग्स आई? बस कुछ नहीं, एंड लेवल, एंड है बकरा, एंड लेवल खत्म, दो बातों में खत्म करेंगे। मतलब वो एंड लेवल है, जो भाई ने बोले ना एग्रेशन, उसका कोई तोड़ नहीं है। और स्ट्रक्चर और यूज, क्या क्या तुमने इंग्लिश में वर्ड बोले, आइकॉनिक, हां अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपकी जितनी बातें थी वो सब रहमान भाई ने बोल दिए। उसके लिए बकरे के लिए सिर्फ दो वर्ड बोलूंगा मैं, एंड लेवल, बिल्कुल एंड, बस। मतलब इसके आगे आप कुछ नहीं है ना, अमिताभ बच्चन, एंड लेवल इंशाअल्लाह ताला। ठीक है भाई, जज़ाकअल्लाह। अबू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूँ एक से एक नायाब बकरे आपके यहाँ से निकल के आ रहे हैं, बट ये साल के अंदर जो बकरा आपने तैयार किया, इनने सारे जो पुराने बकरे थे, मतलब थे सब अच्छे, लेकिन इसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। शब्बू भाई, जब बकरा आपने खरीदा था जी, क्या डिटेल्स पे था, वजन कितना भाई था? वो 90 किलो वेट पे था। 90 किलो वेट था, दांत कितने थे उस टाइम पे? 4 दांत बकरा था, 4 दांत बकरा था। और कितने टाइम से आपने पाल रखा है इसे? भाई वो अपने पास 10 महीने से। ओके, और अभी प्रेजेंट का जो वेट है कितना है बकरे का? 170 पार है, 170 किलो से ऊपर है माशाल्लाह। तो इसी क्या डाइट दी यार, हमें भी कुछ बताओ भाई। डाइट क्या, नेचुरली है, बस वही चना, दूध, पत्ती, दाना। अपने बकरों के अलावा भी बकरे रखते हो क्या आप? खजूर जी। हाँ, ये जो है ना आपने बोला अभी सीक्रेट, ये सब शेयर नहीं करते भाई। बकरा बकरा गरम रहने का। इसके अलावा भी बकरे रखते हो आप पलाई पे क्या? बिल्कुल भाई। कितने बकरे रखते हो भाई? 4-6 बकरे रखते हैं बस, 4-6 जी। चलो अच्छा है भाई, अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी इसी कुछ आप निकालो जी। इंशाल्लाह इब्राहिम गोट फार्म का फिर एक बकरा इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है शब्बू भाई, ये कहना चाहता हूँ इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। बस बिल्कुल, अल्लाह ने इज्जत दी, करम एहसान। चलिए ठीक है भाई, शुक्रिया। अरसलान भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, आप भी बताते जाएं अपना रिव्यू दें बकरे को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह एंड लेवल बकरा है, और बकरे में जो क्वालिटियां हैं, बकरे तो बहुत सारे हैं भराई के, ऑलमोस्ट हर इंसान कर रहा है शौक, लेकिन एक जो उस्ताद के साथ रह के बकरा तैयार होता है, बकरे की कमान ममान हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बहुत जबरदस्त बकरा भाई। अल्लाह मुबारक करे हमारे सोहेल भाई को और अंसार भाई, अंसार भाई को जिन्होंने बकरा कुर्बानी के लिए लिया है, और हमारे भाई जो सारे बाहर से आए, इन सबका शुक्रिया। और सोहेल भाई तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौक करते हैं। ताहिर भाई आप भी अपना रिव्यू दीजिए, बताएं आप भाई बकरे के बारे में। बकरा देखा आपने? बकरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया। आपने अभी देखा या इससे पहले भी देखा था? इससे पहले भी देखा था माशाल्लाह, बकरा पहले कुछ था अब कुछ और है। क्या क्या चेंजेस आ गए अभी? हर चीज का चेंजेस शादाब भाई, किसी की वजन बढ़ा, हाइट बढ़ी, क्या बढ़ा? सबसे अच्छी चीज है उसमें गर्मी, पहले से ज्यादा और गर्मी बढ़ गई अभी। भाई बकरा जिसका है उसमें इतनी गर्मी है, तो बकरे में तो ऑलरेडी गर्मी रहेगी ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, और भी भाई आगे हैंगे, बोलते जाएं, देते जाएं माइक आगे। सलाम अलैकुम शादाब। वालेकुम सलाम जावेद भाई, आप भी अपना रिव्यू दीजिए। माशाल्लाह चीज है शादाब भाई, सभी ने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखो सबने एग्रेशन, भराई के अंदर जो क्वालिटी, उसके अंदर एग्रेशन, वो सबसे मेन चीज, जो हाबा नहीं है बकरा अल्हम्दुलिल्लाह चीज है। वो बहुत बकरे देखे अपन ने, लेकिन इस क्वालिटी, इस लेवल का बकरा नहीं देखा अभी तक। सही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार चीज है, मजा आ गया। शुक्रिया गुलशाद भाई, सलाम अलैकुम। लेकिन सबसे पहले एक ही सवाल करूंगा, एग्रेशन को छोड़ के जवाब देना, और अच्छा क्या लगा बकरे के अंदर एग्रेशन को छोड़ के? शादाब भाई सबसे मेन चीज तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो एक नाम होता है किंग, भाई किंग जो नाम होता है, किंग की तरह बकरा भी होना चाहिए माशाल्लाह, वैसा बकरा साबित हुआ। बिल्कुल किंग किंग ही होता है, और किंग है माशाल्लाह पर्सनली, तो ये किंग भाई माशाल्लाह जैसा बकरा है वैसे ही सोहेल भाई ने उसका नाम भी रखा, और माशाल्लाह वाकई में किंग है भाई, इंडिया लेवल इसका तोड़ नहीं है भाई बकरे का। सही बात है भाई, माशाल्लाह लेंथ ले लो, वजन ले लो, मतलब कोई मुकाबले ही नहीं माशाल्लाह। बकरा बहुत ज़बरदस्त, बहुत पसंद आया, और इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम अगले साल फिर यही हमारी चाहत है कि सोहेल भाई के थ्रू हमें कोई ऐसा बकरा देखने को मिले और इंशाल्लाह इससे अच्छा देखने को मिले, भाई यही चाहता हूँ। ठीक है भाई, शुक्रिया, इंशाल्लाह। सरवर भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अपना रिव्यू देते जाओ बकरे को। शादब भाई, अभी तक अपन ने अभी इतने सालों में बकरे देखे भराई के, लेकिन आज पहली बार अल्लाह का करम से दिल खुश हुआ। मेन चीज बकरे में खूबी ये है कि सोहेल भाई का फार्म है, कम से कम 17 किलोमीटर का डिफरेंस है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इस बात को लोग गौर करें कि 17 किलोमीटर का डिफरेंस है सोहेल भाई के फार्म पे बकरा पहुंचा शब्बू भाई के दर से, और बकरे के अंदर इतना मतलब अपन ने कितनी टाइमिंग ली वहां पर, बकरा स्टेज पे खड़ा रहा, लेकिन बकरे ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पब्लिक देखेगी वीडियो में भी, तो बकरा एक बार भी हमने पूरा उसको नचाया, उसका सिनेमैटिक शूट निकालने में आपने शूट निकाला, और उसके बाद ये कि बकरा जरा सा भी हापा नहीं, मेन क्वालिटी ये। लोग रवाजे निकाल देते हैं, लोग कहते हैं रवाजे निकल लेंगे, नाल का बकरा तैयार हुआ। बहुत सालों में हमने बहुत सी चीजें देखी, लेकिन बकरा यहाँ से पहुंचा फार्म पे 17 किलोमीटर के डिफरेंस में, उसके बाद जीने भी चढ़ा, बकरा दो दो पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह उचक रहा था, वो वीडियो में देखेगी। और आज मेरा तजुर्बा ये कहता है बकरा कम से कम 1 क्विंटल 75 किलो का खड़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे अंसार भाई को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत लोगों का शौक बढ़ाया इन्होंने कि कुर्बानी के लिए भोपाल आए, और हमारे सोहेल भाई ने जो आज अरेंजमेंट रखा था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लाजवाब था, और बहुत ही मोहब्बत करते हैं सब लोगों से। उन्होंने जिस जिसको बुलाया 90% लोग वहाँ मौजूद थे सिर्फ सोहेल भाई की मोहब्बत में। ठीक है भाई, और हमारे जो मेहमान आए सबका दिली इस्तकबाल करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई माशाल्लाह एक से एक बकरे अभी आपके फार्म पे भी तैयार हो रहे हैं आंडू बकरे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी किंग को देख के आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई आए थे राजा को देखने, हिंदुस्तान का राजा देख लिए माशाल्लाह। और पहले तो मैं भाई शुक्रिया बोलूंगा सोहेल भाई का, सोहेल भाई ने जो इज्जत दी है, हम लोगों को बुलाया, इन्वाइट किया माशाल्लाह। और अपने जितने भोपाल के भाई यहाँ बैठे हैं ना भाई जी, जी इन सबसे मिलके एक अलग ही खुशी होती है जी। बकरे वहाँ भी तैयार होते हैं, बकरे यहाँ भी तैयार होते हैं, बिल्कुल। यहाँ आने का मकसद ये जो मोहब्बत है ना भाई, ये और कहीं नहीं मिलती है। सही माशाल्लाह किंग देखे भाई, कंप्लीट बकरा बोलूंगा, स्टार्ट टू एंड, कलर, हाइट, सिक्का, चेहरा, जो एक कोटा बकरे में चाहिए ना सबको, सारी चीजें, सारी चीजें माशाल्लाह, किसी चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल। कोटा का माफिया आया की गर्मी, ठीक है, खास उसी के लिए आए थे, बहुत दिल खुश हो गया भाई आके। और जो लॉन्चिंग हुई मेरे हिसाब से, मैंने आज तक सोहेल भाई इतनी बड़ी लॉन्चिंग कभी नहीं कहीं भी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम हुई। एक्सट्रीम क्वालिटी की लॉन्चिंग थी भाई, मतलब लोगों, जब ये वीडियो आएगी लोग देखते रह जाएंगे, और उम्मीद है सिनेमैटिक वीडियो का तो इंतजार है भाई हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अंसार भाई साथ में है, उन्होंने बकरा लिया है, तो अंसार भाई से ही बात करते हैं। थोड़ा सा कैमरा शाय पर्सन है, बात कम करते हैं। ये हमारे बॉम्बे के किंग है भाई। अच्छा, कैसे किंग है? मतलब भाई हर साल रिकॉर्ड तोड़ो ही बकरे खरीदते हैं। नहीं, मैं समझा बकरा लेने के बाद अब ये भी किंग है। नहीं, बकरे लेने के मामले में तो किंग हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। अंसार भाई अब आप ही बताओ, बकरा आपने लिया, कैसा फील कर रहा है? वालेकुम सलाम, कैसा फील कर रहा है आप बकरा लेने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। जब बकरा लिया आपने तो क्या क्या क्वालिटीज बकरे के अंदर? हर क्वालिटी है भाई, हर क्वालिटी, जैसे सब बोलना है एग्रेशन, एग्रेशन छोड़ के बोलो आप जी, गर्माहट उसमें जो बना। अरे यार अच्छा था ना, ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करो। ठीक है, गर्माहट, उसके बाद? उसके बाद उसका सिक्का, उसकी लम लेंथ और सब। अच्छा, पहली बार ही गाय बकरा देख के उसी टाइम पे सौदा कर दिया, डन किया बकरा जी, या आप दो चार बार गाय बकरे के पास? जी पहली बार ही सोहेल भाई से मिला, पहली बार में इंशाल्लाह। माशाल्लाह, तो ये मतलब पसंद आने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा पसंद आया होगा, तभी आपने फर्स्ट टाइम के अंदर ही डन कर दिया बकरा। जी जी माशाल्लाह। अभी जितने बकरे आपने कुर्बान किए इससे पहले जी, इतना बड़ा बकरा कभी आया आपने पास? पहली बार लिया मैं, पहली बार में ही आया। सोहेल भाई ने मुझे मोहब्बत में दिया, और ये सब भाई लोग। नहीं तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि काफी सारे खरीदार थे इस बकरे के, लेकिन अंसार भाई के पास ही क्यों आया बकरा? भाई ये सब लोगों की दुआएं। हाँ हाँ, अंसार भाई आएंगे, उनको बकरा देना है माशाल्लाह, तो इसीलिए ये सौदा हुआ। इस तरीके से ही मेरे को बोले कि मैं बोला भाई बात करके देखते हैं, भाई से अपनी बात तो खाली नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बात रख भी दिया, कम से कम, और ऐसे नहीं, तीन चार बड़े बड़े कस्टमर उसके पीछे लगे हुए हैं माशाल्लाह। क्योंकि अभी यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े माशाल्लाह खरीदार मौजूद हैं सब, लेकिन इनके नसीब में था तो अंसार भाई के पास ही गया। क्या हो रहा है भाई?
अंसार भाई के नसीब में था, इसीलिए उनके पास में चला गया। इनको काफी बड़े बड़े खरीदार बैठे हैं, जैसे कि मंजिल भाई ने भी एक से एक बकरे माशाल्लाह भी लिए, रहमान भाई भी बड़े बड़े बकरे रखते हैं जी। ये मंजिल भाई का बकरा है या उसाद भाई का बकरा है? मेरा बकरा है, ये शब्बू भाई का बकरा है, ये पूरे भोपाल का बकरा है और पूरा इंडिया का बकरा है, कोई मेरा अकेले का बकरा नहीं है। बिल्कुल। और खास तौर से मंजिल भाई और अबूसाद भाई तो घर के ही हैं, तो इनको देना वो तो घर का ही है ना, तो वो क्या करेंगे कुर्बानी करके, उनको दूसरे दिलाएंगे भाई। बिल्कुल। एक पॉइंट अच्छी बात है। हाँ, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे थे। डिटेल में बोलो, ये बकरा तीन चीज से हुआ है डीलिंग और सब कुछ, एक ही कॉमन चीज है इसमें, पालने वाले दिल से पाला, बिल्कुल, खरीदने वाले दिल से खरीदा, बेचने वाले दिल से बेचा, और वो जिसने जिसको बेचा उसने दिल से खरीदा। बिल्कुल। तो ये दिल से बिका हुआ बकरा है, ये दिखावे का बकरा नहीं है, ये नोट दिखाने वाला बकरा नहीं है, ये भपाटिंग वाला बकरा नहीं है, ये एकदम सिंपल बंदा जो सामने बैठा है, और वो जो बंदा सामने बैठा है इतनी सिंपल बंदे, इन्होंने दिल से बकरा दिया और दिल से लिया, तो मोहब्बत वाला ये इंडिया का बकरा है, तो इंडिया का बकरा दिल से बिकते हैं और दिल से खरीदते हैं। तो इसके लिए मैं शेरोड बोला माना चाहूंगा, इनके आज की तारीख बॉम्बे में सबसे महंगा बकरा खरीदने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ अंसार भाई। मैं बोलता हूँ, भपोर्टिंग अपोर्टिंग है तो है, हिंदुस्तान का सबसे महंगा बकरा अंसार भाई ने खरीदा। भपाटिंग तो भपाटिंग जिगरची है, बहुत बड़ी बात है भाई, जिगरची है भाई, ना कोई गस्सी बिका है, ना कोई अंडू बिका है, ना कोई दुम्बा बिका है, अरे है ही नहीं भाई, हम लोग को मालूम है, तो नहीं है भाई, 24 को बता, हाथी के दांत है ना भाई, खाने के अलग है, दिखाने के अलग है, अभी तक जितने भी बड़े बकरे अभी तक में सबसे महंगा बकरा ये कौन सा है मालूम भाई? देखो ये वो वाला बकरा नहीं वाला जो दो पेटी के बकरे को 10 पेटी बोलते हैं, ये ओरिजिनल पेटी है, और ये बहुत सारी पेटी अपन बोलना नहीं चाहेंगे, बस इतना है कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा बकरा और अंसार भाई का, ये तो बहुत बकरे तैयार हो रहे हैं और आने वाले टाइम में होंगे भी, क्या लगता है अभी आगे भी आएंगे ऐसे बकरे? इसके आगे जानवरी नहीं है, खत्म हो गई, किंग नाम ऐसी थोड़ी गिरा भाई, एंड भाई यहाँ पे जितनी पब्लिक बैठी हुई है यहाँ पे सब कोटा माफिया बैठे हुए, और यहाँ की नजरों से अगर कोई बकरा बच गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो पहले जितने भी बड़े जानवर रहेंगे ये वो यही दरवाजे से गुजरेंगे, क्योंकि यही दरवाजों पे बड़े बनते हैं, बाकी किधर बनते तो है नहीं। सही। और अंसार भाई के लिए एक और चीज बोलूंगा भाई, कि एक बकरा नहीं है माशाल्लाह 8 बकरे है शादाब भाई, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है 8 बकरे, लेकिन ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये, और दूसरे भी जो 8 है वो भी ऐसे नहीं है, वो भी बोलते ना तेरा घर चले जाएगा इसमें वाले बकरे, पेटी के ऊपर के बकरे, पेटी पेटिया पेटिया खोखा भी हो जाएगा माशाल्लाह। इन्होंने 4 सिंग वाला मेंढा रखा है, उन्होंने सबसे बड़ा कश्मीरी लिया है, उन्होंने सबसे बड़ा बोर लिया है, मतलब मैं उंगली में काउंटिंग करूंगा उंगली खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके बकरी खरीदने की कैपेसिटी नहीं खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सिंपल बंदा है, मैं बोलूंगा वो माफिया ठीक है तुम्हारा, लेकिन बंदा जो है ना बहुत मस्त है। और भाई अपने ना सोहेल भाई के लिए भी बोलेंगे, बिल्कुल, और इनको जो बकरा खरीदने गया ये खरीद सकते हैं, और सामने वालों को देना पड़ेगा, आई डोंट नो कैसा खरीदते, बट ये खरीद लेते भाई। नहीं भाई अपन सोहेल भाई के लिए भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलिए, मैं समझता हूँ जितना बड़ा बकरा है ना तो सोहेल भाई ने उससे दुगनी बड़ी लॉन्चिंग की है, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्चिंग ऐसी थी कि समझ जाओ कि 2-4 शादी हो जाएगी उतनी बड़ी लॉन्चिंग, बिल्कुल, तो अभी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा खर्चा था ये आज का सोहेल भाई का, वो मोहब्बत खुलूस थी, कोई कमाने अमाने वाली डाई नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ सोहेल भाई का शौक है, और सोहेल भाई ने जो हम लोग को मोहब्बत दिए हुए यहाँ पे वो मोहब्बत हम लोग को पूरे इंडिया में किधर नहीं मिली। और लास्ट टाइम की एक बात रह गई थी, अपन जब आए थे भोपाल जी। तो सबका मैं भोपाल वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे से कुछ भी गुस्से में या ना इत्तेफाकी में ऊंच नीच बात निकली होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है पर दिल में नहीं रखता है, सही बात, मोहब्बत मुझे मेरे सभी भाई लोग से और भोपाल से तो पुराना अटैचमेंट है, मेरी पुरानी वीडियो में भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, खैर यही चीज़ बोलूँगा भाई, और सोहेल भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह ताला उनको ऐसी तरक्की दे और हर साल किंग पे किंग सोहेल भाई निकाले इंशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि शहर में कोई निकाले ही ना, बिल्कुल, और निकलेगा तो जबरदस्ती निकलेगा, नया फिट है ना भाई, बिल्कुल, अब दूसरा कोई किंग लाएगा नहीं, क्या सोहेल भाई ये आपके मुँह से सुन रहा है। सोहेल भाई अभी कैसा फील कर रहा है? अभी फिलहाल थोड़े से थके हुए हैं आप? हाँ भाई, मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं रात में भी नहीं सोया और आज दिन में भी नहीं सोया, क्योंकि मेहमान आ गए थे। हाँ, क्योंकि हमारे अबूसाद भाई, मंजिल भाई, अपने रहमान भाई, दानिश भाई और बाकी मेहमान सब आए हुए हैं जी जी बाहर से, ठीक है, और उनके मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ जी, मगर मैं हमारे अजहर भाई का शुक्रिया कहना चाहूँगा जी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा बकरा दिया और शब्बू भाई ने इसको तैयार किया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा तैयार किया है जी,
आगे अपन शब्बू भाई से भी इनका लेंगे। लॉन्चिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई है और सारा भोपाल वाले जो बकरेवास थे मतलब ट्रेडिंग वाले हुए। हाँ, एक खास चीज मुझे ये दिखी कि यार देखो जो अच्छा आदमी है, पैसे वाले लोग हैं या बड़े बकरे वाले लोग हैं, उनको तो सब अपने इवेंट्स में बुलाते हैं, लेकिन जो बेचारे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे वो सारे ट्रेडर्स भी आए, तो इसके बारे में आप क्या बोलना भाई? एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी तक मेरे फार्म में मैं छोटे जानवर ही पालता हूँ, बिल्कुल है ना, बकरियाँ पालता हूँ, ये मेरा शौक है, मैं इंटेक जानवर पालता हूँ। मैंने पहली बार बड़ा बकरा लिया, वो भी मैंने बस ले लिया, बस अच्छा लगा, उसके पीछे कहानी है, मेरा ले लिया, बट मेरे से सब टच है मुझसे, जितने भी ट्रेडर्स हैं और सबसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। वो तो किसी वजह से अभी सोहेल भाई बातचीत हो नहीं पाई हमारी उन ट्रेडर से, लेकिन वो लोग भी काफ़ी खुश थे क्योंकि पहली बार उन्हें इतनी इज्जत मिली और इतना अच्छा भाई, लगा। मुझे लगता है मैंने जिन जिन को बुलाया है वो सब आए हैं और सारे ही खुश थे। जी जी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ है इस बकरे से। नहीं नहीं, क्योंकि होती है कंट्रोवर्सी, कभी कोई करता है बीच में, जी जी, पीछे पीछे भी करता होगा, बिल्कुल, मगर इसमें कुछ नहीं है किसी का, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश थे और अच्छी लॉन्चिंग हुई भाई इस बार। वो लेवल का बकरा ही नहीं है तो फिर किसी को कुछ तकलीफ क्या होगी? सही बात है, वो लेवल का बकरा ही नहीं है किसी के पास। गोगी भाई को इसके लिए शुक्रिया बोलेंगे क्योंकि गोगी भाई ने इतना बड़ा जानवर हमारे शब्बू भाई को दिलाया। हाँ, ये भी एक कहानी है पूरी फिल्म में। असल मेन क्या है भाई, वो गोगी भाई भी क्या बहुत बड़े आर्टिस्ट है, समझे आप, वो गोगी भाई अगर नहीं रहते इस टीम में तो शायद किंग आता नहीं था, तो गोगी भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें और गोगी भाई का बहुत ही बड़ा हाथ है हर चीज में। हाँ भाई, मैं एक भाई हमारे अंसार भाई को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा बकरा लिया और बड़ी कुर्बानी करेंगे माशाल्लाह, अभी से उनको मुबारकबाद, अल्लाह उसको बकरे को तंदुरुस्त रखे। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सोहेल भाई की खासियत ये मैं सीख लिया हूँ, यहाँ से सीख के जा रहा हूँ और इंशाल्लाह फार्म पे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा। दावत हज़ारों होती है, खाना बहुत लोग खिलाते हैं, मीठा बहुत लोग खिलाते हैं, चमक धमक बहुत लोग लगाते हैं, स्टेज बहुत लोग बनाते हैं, बहुत कुछ होता है ये जो दावत होती, लेकिन जो दावत में लोगों को बुलाया जाता है, इसमें सोहेल भाई ने बहुत अच्छी चीज मेरे को सिखाया, उन्होंने खुर काटने वाले से लेके अनाज डिलीवरी करने वाले से लेके अनाज साफ सफाई करने वाले से लेके उनके पत्ती डिलीवरी करने वाले से लेके इनके पुराने उस्ताद जो थे उनके वाले, उनको तक उन्होंने याद करके बुलाया, तो भाई गूज़बम्स आ रहे मेरे को, बहुत बड़ी बात है। ये जो हकीकत है ना, ये सीखना लोगों को है कि भाई अपने से नीचे वाले लोगों को ध्यान दो, बड़े लोग को बुला के पार्टी करने से अच्छा जो छोटे लोग को बुला के दो निवाला खिला दोगे ना, तो उसकी जो दुआ मिलेगी ना वो खत्म है। तो ये प्लीज सबको बोलना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में मैं भी करूंगा, मैं नहीं करता था झूठ बोलूं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो जिससे मेरा फार्म खड़ा है, जिससे रहमान मिस्त्री का नाम खड़ा है और रहमान मिस्त्री खड़ा है, वो टीम को मैं इंशाल्लाह आने वाले दावतों में ज़रूर बुलाऊंगा और ये लेवल की इंशाल्लाह मैं दावत आम करूंगा इंशाल्लाह, और सभी को इनवाइट करूंगा। शुक्रिया। ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। गोगी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत करी है सुबह से, मतलब के कल से ही लगे हुए हो आप लोग, आप और आपकी पूरी टीम। जी जी सर, तो आप मिलवाते जाओ, बहुत से भाई तो बात करना ही नहीं चाह रहा है, तो बाकी चली गई है, कुछ लोग बचे हैं, मोहसिन भाई, अयाज भाई, नवेद भाई, अत्तू भाई हमारे, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जैसे कि अभी रहमान भाई ने बोला, तो उसमें एक शख्स जो आए थे वो हमारे अल्लाह बख्शे साबिर भाई के वालिद साहब थे, जो कि साबिर भाई का इंतकाल हो चुका है, और सोहेल भाई की जो बकरेबाजी है, अगर शौक पे ले जाने में किसी का हाथ है बिल्कुल, तो वो हमारे साबिर भाई का था, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं और उन्होंने बहुत मोहब्बत से दी हैं, और आज वो नहीं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सही बात है, हमारे भाई के दिल में आज भी मोहब्बत उतनी ही जितनी पहले थी, क्योंकि उनके वालिद आए, उनके भाई आए, ये आप देख सकते हैं, नहीं तो बहुत से लोग ये होते हैं कि भाई आदमी गया काम खत्म। सही बात है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये चीज उनको बुला के बहुत अच्छा किया, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसे आम पब्लिक थी, चीफ गेस्ट थे वो, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा शादब भाई के इस लॉन्चिंग का एक मसला सबसे बड़ा ये भी था कि बकरा सोहेल भाई ने ले लिया था बहुत पहला, लेकिन अबू सर भाई लोग कंफ्यूज थे, खास तौर से मैं भी, जबकि मैं भाई के साथ 24 घंटे रहता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं भाई के साथ 24 घंटे रहता हूँ, लेकिन मुझ जैसे कोई शक था भाई किसके लिए लिया है,
मेरा शक पहले आपके लिए गया, लोगों का मंजिल भाई के लिए गया, लेकिन हकीकत ये थी कि भाई ने भाई के लिए लिया था और लोगों को बताना भी ज़रूरी था भाई, क्योंकि बहुत कहानी थी, अभी तक कहानी थी अबू सर भाई कि ये बकरा भाई ने नहीं लिया, दूसरे ने लिया। तो मेन लॉन्चिंग तो वह ये भी थी कि जिसकी चीज़ होती है वही उसकी लॉन्चिंग करता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज जितने लोग आए भाई किसी दूसरे के लिए नहीं आए, सही बात, वो अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल भाई के लिए आए थे और सोहेल भाई का बकरा था भाई, ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है और अभी जिनको गया है वो भी सामने है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कि जैसे कि अंसार भाई का सबने बताया कि 5 मिनट में हमेशा सौदा कर लेते हैं भाई, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि 5 मिनट में अगर अंसार भाई सौदा कर लेते तो देने वाली शख्सियत भी कम नहीं थी, 2 मिनट में दे दिया था उस तरह माशाल्लाह। क्या बात, ये नहीं कि भाई ये नहीं कि मैं खेच रहा हूँ और अभी सोच रहा हूँ देता हूँ, वो काम नहीं था, उन्हें देना था। और काफी पार्टियां मेरे पास भी थी अल्हम्दुलिल्लाह और अभी भी चालक भाई ऐसा नहीं, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, भाई लोगों की मोहब्बत है, खाली मोहब्बत में बकरा गया है, बाकी पार्टी वाला कोई मसला ही नहीं था। सही बात। अंसार भाई कुछ ऐसी मिठाई लाए थे जो भाई को खिलाई और काम तमाम, मतलब डायरेक्ट भाई ने यही नहीं बोला क्या कितने कैसा, उन्होंने बोला सिर्फ तुम्हारा भाई अफलातून। अच्छा अंसार भाई तुम ही बता सकते हो उस मिठाई में क्या था? मेरे लिए लाए अभी जो मंगाया था। हाँ भाई ठीक है, आपके जो ये मुझे खिलाएंगे तो एक बकरा मैं भी इनको दे दूंगा भाई, मिठाई से एक बकरा जा रहा है तो मैं भी दे ही दूंगा। ठीक है अंसार भाई, ठीक है भाई। अभी अजहर भाई रह गए थे तो इनसे भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम भाई। और मैं चाहता हूँ सोहेल भाई अजहर भाई का तारुफ आप ही करा दें। अजहर भाई हमारे बड़े भाई हैं जी, और किंग बकरा उन्हीं से, उन्हीं ने दिया मुझे और माशाल्लाह अब हमारे बड़े भाई बोलेंगे जो बोलेंगे जी। थोड़ा आने में लेट होगा अजहर भाई, तो अजहर भाई बकरा तो माशाल्लाह एक नंबर निकला, अभी पब्लिक के हमने रिव्यूज़ लिए, सब ने माशाल्लाह बहुत तारीफ की, लाइव भी देखा, बहुत एग्रेशन है बकरे के अंदर। तो अभी उम्मीद करते हो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कुछ बकरा निकालोगे आप? भाई बिल्कुल निकालेंगे इंशाल्लाह ताला, अपना तो हर साल अपने आप से ही कंपटीशन है। बिल्कुल, लास्ट ईयर भी जो है आपने बहुत अच्छा बकरा तैयार किया था और ये भी बोला था कि अगले साल इंशाल्लाह इससे अच्छा तैयार करेंगे और निकला भी बकरा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगले साल भी इंशाल्लाह ताला इब्राहिम कोई फार्म से आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इससे अच्छा या इसके बराबरी का इंशाल्लाह देखने को मिलेगा आपको फिर से इंशाल्लाह। और अभी शब्बू भाई की जो मेहनत थी, अभी शब्बू भाई की मेहनत के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? साहब माशाल्लाह उस्ताद की तो हमेशा हर साल परमानेंट मेहनत रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी बीवी को इतना टाइम नहीं देते जितना बकरों को टाइम देते हैं, तो भाभी भी उनसे थोड़ा सा नाराज रहती है चक्कर में जी जी। और ये कभी कभी घर जाते हैं तो साहब बकरे वकरों की भी आती रहती है तो भाभी नीचे भगा लेती है। अच्छा, पूछ सकते हैं आप कैपेसिटी कितनी है इनकी, कितने बकरे संभाल लेते हैं अच्छे से? साहब माशाल्लाह वो तो शब्बू भाई है जो तो जैसा बकरा ये तैयार किया किंग, ऐसे कितने बकरे तैयार कर? हमारे बड़े के जितने भी बकरे हैं सब एक जैसे, सब एक जैसे तो खैर नहीं हो पाते, सब इसे डिफरेंस रहता है। क्या है बकरे के लुक्स भी मैटर करते हैं। अब जैसे ये जो बकरा है किंग, ये इतना एग्रेसिव है कि इसे शब्बू भाई नहीं पकड़ पा रहा है। ये तो भाई एंड है, ये तो इतिहास है बकरा। नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला इतिहास का तेईस का इतिहास है जी। इतिहास रोज बनते और रोज टूटते भी है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में टाइम में इंशाल्लाह इब्राहिम कोई फार्म से आपको हर साल अल्लाह ने चाहा तो 2-3 बकरे इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और अपने पास और भी रह गए थे लोग जैसे फहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल गायब थे पूरे फंक्शन में, मतलब कम दिखे, वजह बकरे के पास ज्यादा रहा भाई। आप बकरे के पास ज्यादा रहे इसलिए प्रोग्राम के अंदर कम दिख पाए जी भाई। कब देखा आपने फर्स्ट टाइम बकरा? भाई फर्स्ट टाइम बकरा मैंने देखा था फर्स्ट टाइम कंपनी हुआ 6 महीने भाई। 6 महीने तो 6 महीने में और अभी में कुछ फर्क दिखा आपको बकरे के अंदर? फर्क काफी दिखा अल्हम्दुलिल्लाह, बकरा ऐसा था अगर भाई मुझे बकरा दिखाने लगा छत्तू का दिखाते नहीं किसी बकरा भाई, मुझे दिखाने लगा थे बकरा, बकरा देख के मैंने भाई सोहेल भाई साहब की तारीफ करी थी। सोहेल भाई भोपाल में मतलब इतिहास है समझ लो, थोड़ी नहीं भोपाल शहर के अंदर। सोहेल भाई की बात दिमाग को चढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, भाई की फोन पे बात हो गई भाई। मैं मेरे पूछने का मतलब है जैसे 6 महीने पहले जो कंडीशन थी बकरे का, एग्रेशन, बकरे का वजन, वो चीज़ भी कुछ
बड़ी उस टाइम पे भाई बयान था इसका 150 किलो है। ओके 150 से 52 किलो था वो, अलहमदुल्ला 174 किलो बकरा है अभी, 174 केजी तुल रहा है बकरा माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।